सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को दो इनकम टैक्स अधिकारी सहित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषी ठहराया है। सीबीआई न्यायालय के विशेष जज सुधीर कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता, इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मुंद्रा को 3 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 साल के सश्रम कारावास के अतिरिक्त सजा भुगतान होगी। असिस्टेंट आयकर आयुक्त के 9 लाख रुपए के रिश्वत केस में सीबीआई जज सुधीर मिश्रा ने यह सजा सुनाई है। दरअसल सीबीआई की टीम ने 20 फरवरी 2008 को आयकर विभाग में बतौर सहायक आयुक्त पदस्थ पंकज गुप्ता के घर पर छापा मारा था और 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मुंद्रा के जरिए एक पैकेजिंग इकाई के संचालक से घूस ले रहे थे। मुंद्रा पर घूस के इस गौरख धंधे में आयकर अधिकारी से काम करवाने के लिए रुपए लेते थे। गुप्ता, मुंद्रा और अजय वीरे के खिलाफ सीबीआई ने वर्ष 2009 में चार्जशीट दायर की थी। गुप्ता ने एडवांस रोटोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग इकाई का सर्वेक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने इकाई पर 65 लाख रुपए का आयकर बकाया होने की बात कही थी। आयकर विभाग के अफसर ने इकाई के संचालक अभय से कर चोरी के कथित मामले को दबाने के लिए 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। न्यायालय द्वारा सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो अभियुक्त पर्सन थे उनको 3-3 साल की सजा सुनाई गई है और उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि 2009 का प्रकरण है और उस समय जो विधि का जो प्रावधान था उसमें कम से कम जो सजा का प्रावधान था 7-13(1)(d) और 120 उसमें मिनिमम 6 महीने और साल भर की सजा का प्रावधान था, तो वो उसको हमने आर्ग्यू करा है उस पर। मामला वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, इसमें रिश्वत का मामला था, वो 9.5 लाख रुपए का, वो 3 आरोपी हैं उसमें, 3 एक उसमें पंकज गुप्ता जी हैं, अजय वीरे जी हैं और वो मुंद्रा जी हैं। पंकज नहीं, उसके बाद जमानत पे उनको 3 साल का कन्विक्शन करने के बाद में अभी जमानत पे छोड़ दिया, फिर हाईकोर्ट में अपील करेंगे।